इस समय देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है। अब भारत के हर गांव में पॉपुलेशन बॉम्ब लग चुका है, जब वो फूटेगा तब जैसे बॉम्ब से अनेक लोग इंजर्ड होते हैं, मारे जाते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब सबसे ज्यादा हिंदुओं को हर्ट करेगा। पॉपुलेशन बॉम्ब का दुष्प्रभाव असम में सबसे पहले दिखाई देगा। डीएनए टेस्ट के आधार पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेटर को विद इन 6 मंथ आइडेंटिफाई करो। जिनका टेस्ट होगा वो इंडियन, बाकी सबको आइसोलेशन कैंप में भेजे जाए। आसाम एएचपी आरबीडी ने किया और एनआरसी कैंसिल भी करवाई। अभी यूएन का रिपोर्ट आया है कि अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की थी, अब भारत की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बड़ी बन गई है। मेरा स्पष्ट कहना है, बढ़ी हुई पॉपुलेशन मुस्लिम जनसंख्या और बर्थ रेट के कारण है। इंडिया हैज बिकम नंबर 1 इन वर्ल्ड इन पॉपुलेशन ओनली ड्यू टू मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मुस्लिम ग्रोथ रेट। बीइंग ए डॉक्टर, दिस इज माय सब्जेक्ट। इस समय देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है। हिंदूज हैव नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। उनका के हिंदू की संख्या घटना शुरू हो गया है, तो देश की बढ़ी हुई जनसंख्या में अब हिंदुओं का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 1.8, अर्थात पति पत्नी 2, उनके बच्चों की संख्या 2.25 है। मानी 142 करोड़ होने में हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन नहीं है, और देश में मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ 2.4 है। मानी पति पत्नी 2 मुसलमान 2.5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब यह देश में पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब इज क्लिकिंग इन एवरी विलेज। अब भारत के हर गांव में पॉपुलेशन बॉम्ब लग चुका है, जब फूटेगा तब जैसे बॉम्ब से अनेक लोग इंजर्ड होते हैं, मारे जाते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब सबसे ज्यादा हिंदुओं को हर्ट करेगा, और अगले 15-20 वर्ष में पॉपुलेशन बॉम्ब का दुष्प्रभाव असम में सबसे पहले दिखाई देगा। पॉपुलेशन बॉम्ब विल हर्ट इंडिया बट हर्ट असम अर्लियर इन नेक्स्ट 2 डिकेड। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना से लेकर आज तक का एक एजेंडा है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ। आसाम के लिए मेरी दूसरी मांग है, डीएनए टेस्ट के आधार पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेटर को विद इन 6 मंथ आइडेंटिफाई करो। विद द हेल्प ऑफ द डीएनए टेस्ट, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर कैन बी आइडेंटिफाइड विद इन 6 मंथ। कैसे करेंगे? 1951 का जो वाटर लिस्ट है उसमें जो मुसलमान थे वह आज नहीं रहेंगे, उनके बेटे या पोते होंगे। आसाम के मुसलमानों को कहा जाएगा कि 1951 के वाटर लिस्ट में जो थे वह आपके रिश्तेदार हैं, तो नाम बताओ, फिर उनके साथ उनका डीएनए टेस्ट होगा। एनी मुस्लिम हु विल क्लेम दैट इज असमिया हिंदू बिफोर 51, ही हैज टू मेंशन हु इज हिज रिलेटिव इन 1951 वाटर लिस्ट। ये दोनों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। इनका टेस्ट होगा वो इंडियन, बाकी सबको आइसोलेशन कैंप में भेजे जाए। पूरे देश में हम ये डिमांड को लेकर 45 करोड़ हिंदुओं को टेलीफोन करने वाले हैं। वी विल कॉन्टैक्ट 45 करोड़ हिंदूज, वी विल विजिट 9 करोड़ हिंदू फैमिली। जनसंख्या नियंत्रण कानून और डीएनए टेस्ट के आधार पर पूरे देश में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का आइडेंटिफिकेशन, पर्टिकुलर इन आसाम, और इसके लिए हम 45 करोड़ हिंदुओं का संपर्क करेंगे, ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन। विल रेज द वॉइस। कभी राम मंदिर के लिए लड़ने के लिए हम ही निकले थे, मंदिर बन रहा है। अब हिंदुओं की रक्षा के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ एंड डीएनए टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर इज मस्ट। दोनों के लिए हम देश में आवाज उठाएंगे,
आसाम के हर गांव में हम आवाज उठाकर मीटिंग करेंगे। जो ये 42 लोगों की ऑफिस बैलेट की टीम है स्टेट लेवल की, इतनी बड़ी सक्रिय टीम गुजरात में भी मेरे पास नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ हमारे पास कार्यकर्ता है। मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग है, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ और DNA टेस्ट इन्फिल्ट्रेशन का स्क्रीनिंग और आइसोलेशन कैंप में भेजने की प्रक्रिया विद इन 6 महीने पूरी करें। मेरा विश्वास है जैसे नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह ने धारा 317 हटाई, ये दोनों भी हिंदुओं की मांग पूरी करेंगे। जिस विश्वास से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हिमंत विश्वास हिंदुओं के लिए खड़े हैं, मेरा विश्वास है वह भी आसाम में दोनों मांगे पूरी करेंगे। और DNA टेस्ट से बांग्लादेशी का स्क्रीनिंग हो गया तो नेक्स्ट 2024 के चुनाव में धुबरी में 82% मुस्लिम नहीं रहेगा, 40% से कम रहेगा और 2024 में धुबरी का MP हिंदू बनेगा। यह डेमोग्राफिक चेंज का पॉलिटिकल परिणाम होगा। हमें चाहिए सुरक्षित आसाम और सुरक्षा को खतरे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन से, मुस्लिम ग्रोथ रेट से, खतरा है मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर से, मुसलमानों की पॉपुलेशन से खतरा, यह कहने में प्रवीण तोगड़िया को कोई संकोच नहीं है। वी हैव ए थ्रेट, वी हैव बीन थ्रेटन बाय मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ, वी हैव राइट टू मेंटेन अवर मेजोरिटी इन आसाम एंड फॉर दैट आई डिमांड legal democratic method, that is a population control law and detection of the Muslim infiltrator by DNA test within a 6 months. हम इसके लिए देशव्यापी जनजागरण चलाने जा रहे हैं और हमारी योजना में हम 45 करोड़ लोगों का संपर्क और 9 करोड़ हिंदुओं के घरों में जाकर within a 1 year एक बहुत बड़ा strong public opinion जनमत भारत में खड़े करने वाले हैं। आप सबको धन्यवाद।